साउथ के सुपरस्टार प्रभास अपनी आने वाली फिल्म साहो को लेकर काफी ज्यादा बिजी चल रहे हैं। उन्होंने अबू धाबी का शेड्यूल पूरा कर लिया है। फिल्म साहो में प्रभास ताबड़तोड़ एक्शन करते नजर आएंगे। वहीं पर यह भी बताया जा रहा है साहो फिल्म के क्लाइमेक्स पर करीब 90 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। फिलहाल प्रभास के पास साहो के अलावा और कोई फिल्म नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि मैं एक बार में एक ही फिल्म पे फोकस करता हूं। लेकिन अभी हाल ही में खबर आई थी कि करण जौहर चाहते थे कि प्रभास उनकी फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू करें और उन्होंने प्रभास को इसके लिए दो बार अप्रोच भी किया। लेकिन खबरें ये आई जब करण जौहर ने पहली बार प्रभास को अप्रोच किया तो उन्होंने करण जौहर से ज्यादा फीस मांगी और करण फीस को देने में असमर्थ निकले। फिर उन्होंने जब दूसरी बारी प्रभास को अप्रोच किया तो उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि मेरे पास समय नहीं है। ये सब होने के बाद लोगों को ये लगने लग गया कि प्रभास और करण जौहर के बीच कोई झगड़ा हो गया है, इसलिए प्रभास उनकी फिल्म में काम करना नहीं चाहते। धीरे धीरे मीडिया में ये खबर लगातार बढ़ने लगी और इसी पर चुप्पी तोड़ी प्रभास ने। खलीज टाइम्स को दिए इंटरव्यू में प्रभास ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, करण ने मुझे कॉल करके बताया था कि मीडिया में कुछ गलत खबरें चल रही हैं, हमारे बीच कोई लड़ाई नहीं, हमारे संबंध अच्छे हैं क्योंकि हमने 4 साल तक बाहुबली में साथ काम किया है। इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि करण जौहर एक डायरेक्टर के तौर पर मुझे पसंद है और कुछ कुछ होता है मेरी पसंदीदा फिल्म है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि राजकुमारी रानी उनके फेवरेट डायरेक्टर हैं और उन्होंने संजू का टीजर भी देखा है। संजू के टीजर की उन्होंने जमकर तारीफ करते हुए कहा कि रणबीर कपूर हूबहू संजय दत्त लग रहे हैं। खलीज टाइम को इंटरव्यू देते हुए प्रभास ने ये साफ कर दिया कि उनके और करण जौहर के बीच कोई विवाद नहीं चल रहा है।